तो मैं आ गया आपका गुरुजी। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गोल्ड फार्म। हाँ, आज हम लोग बनाएंगे गोल्ड फार्म। सबसे पहले आपका सूरज जिस तरफ उगता है, आपको उस तरफ अपना एक ब्लॉक्स ले लेना, कोई सा भी। हम ले लेते हैं स्टोन। तो फिर स्टोन को फोर ब्लॉक्स ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद ओबिसीडियन लगा देंगे पूरा में और इसको बना देंगे स्क्वायर 11x11 का। और उसके बाद 11x11 का स्क्वायर बनने के बाद इसके आ जाना है नीचे और नीचे में हमें लगा देना है ब्लॉक्स। चलो जल्दी से उसको ब्लॉक्स लगा के और उसको कर देते हैं पैक। तो चलो चलो लग जा। हाँ, तो ये होने के बाद एक ब्लॉक्स और आगे आपको लगा देना है इसी प्रकार। उसके बाद आपको चार का वो पिलर बनाना है। तो चलो जल्दी से मैं बना लेता हूँ दोनों तरफ। उसके बाद आपको क्या करना है, शीशा से उसको तीन ब्लॉक्स ऊपर चढ़ा देना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाना है, इधर नहीं, ऊपर में हल्का सा। हाँ, और उसके बाद फिर आप ग्लास ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ जल्दी से अपना ग्लास। और उसके बाद ग्लास इधर बगल में लगाना है और इसको तोड़ देना है। और उसके बाद आपको तीन ब्लॉक्स उसको भी ऊपर लेके चल जाना। तो मेरा ये पूरा हो चुका है कम्प्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बकेट आपको ले लेना है वाटर। और वाटर बकेट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गिरा देना है। तो फिर मैं जल्दी से गिरा देता हूँ यहाँ पे। तो चलो गिर गया। और फिर एक ब्लॉक्स बचेगा, बस वहीं पर आपको कर देना है डिग, मतलब इसको खोद तोड़ देना है। तो मैं तोड़ दिया। और उसके बाद फिर इधर पूरा इसको कर देना है पैक। जल्दी से इसको इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, इसको कर देते हैं पैक। और इधर लगा, इधर इधर नहीं, इधर पहले कर लेते हैं पैक अच्छे से। तो चलो इधर का भी पैक हो चुका। और आगे में आपको लगा देना है शीशा। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ शीशा, ठीक है। चलो लग चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नाइन ब्लॉक्स नीचे जाना है। जब भी पिगलिंग से नीचे गिरेगा तो फिर भाई यहाँ पे आके मर जाएगा, मरेगा नहीं मतलब बच जाएगा जिंदा ही। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस बना लेना है अच्छे से। और फिर आपको देखना है कि किधर से आपका पिगलिंग सब गिरेगा, वहीं पर थोड़ा सा एक ब्लॉक्स तोड़ देना है और वहाँ पे आपको लगा देना है चेस्ट। जल्दी से मैं अपना लगा देता हूँ चेस्ट। और उसके ऊपर लगा देना है आपको बैठ के होपर। तो होपर हो चुका है। उसके बाद लगा देना है आपको गिलास। तो चलो जल्दी से इसको गिलास से कर लगा के पैक कर देते हैं। और फिर एक स्लैब बच गया तो स्लैब भी लगा देते हैं जल्दी से। चलो इतना होने के बाद आपको आ जाना है ऊपर। अब ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्स ब्लॉक्स लगा देना है अच्छे से देखकर। तो मैंने सिक्स ब्लॉक्स लगा देता हूँ, जैसे मैं लगाया वैसे ही आपको लगाना है। तो सिक्स ब्लॉक्स लगाने के बाद एक ब्लॉक्स तोड़ देना है। और उसके बाद एक इतना होने के बाद आपको इस तरफ मुड़ के एक लगा देना है ऑब्जर्वर लगा देना है, ठीक है। एक उसी के अपोजिट आपको भी दो और लगा देना है। तो चलो जल्दी से मैं लगा देता हूँ। लग गया। चलो इतना होने के बाद आपको इस तरफ आके लगा देना है एक डिस्पेंसर। चलो डिस्पेंसर लग चुका है। और ये मैंने सही लगा था डिस्पेंसर, पर ये फिर उसके बाद मैंने क्या हुआ मेरा मन में, मैंने इसको तोड़ दिया। तो उसके बाद फिर मैंने इधर लगा दिया। ये आपको ऐसे गलती नहीं करना है, आपको आगे ही लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर देना है पूरे चारों पट्टी से पैक। तो चलो जल्दी से इसको पैक करते हैं। तो ये हो चुका है पैक मेरा। तो चलो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, पूरा इसको कर देना है पैक। जैसे जैसे मैं पिलर कर रहा हूँ उतना ही उतना आपको पैक कर देना। और अभी जरा सा जगह छोड़ देना है पीछे साइड। तो चलो जल्दी से ये पैक इतना होने के बाद यहाँ पे हमारा लगेगा ट्रैप डोर। तो चलो इसको ट्रैप डोर जल्दी से लगा देते हैं और इसको कर देना है, खोल देना है। खोलने के बाद आपको इसके ऊपर लगा देना है ये स्टोन। तो चलो जल्दी से इधर भी लगा देते हैं और इसको कर देते हैं पैक। इतना होने के बाद आपका समझ लीजिए 90% तो खत्म ही हो चुका है काम। चलो इसको जल्दी से तोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया, दो ही ब्लॉक्स लगाना था पर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बकेट लावा लेना है। लावा लेने के बाद ऐसे गिरा देना इधर और ये हमारा पोर्टल हो चुका है स्टार्ट। बस पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब हमारा कहानी खत्म, पूरा 99% हो गया। और ये जो 1% बचा और ये मैंने लगा दिया। और ये 1% होने के बाद ये देखो हमारा ये पिगलिंग सब स्पोन होना स्टार्ट हो गया। तो चलो नीचे जाते हैं भाई साहब, बहुत सारे हो गए। और ये पानी भी आ जा रहा है, यही वही बोल रहा था भाई, आपको ऐसा गलती नहीं करना। और देख सकते कितना सारा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भाई और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।